क्या आपको पता है थॉर के वेपन्स की रेंज क्या है? मतलब जब स्टॉर्म ब्रेकर और म्यूलर को थॉर अपने पास बुलाता है तो उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए कि वेपन्स उसके पास आ सके। और साथ में जब गॉड द गॉड बुचर थॉर से स्टॉर्म ब्रेकर छीन लेता है और थॉर अर्थ पर पहुंच जाता है, तब थॉर ने स्टॉर्म ब्रेकर को अपने पास बुलाने की कोशिश क्यों नहीं करी? और अगर वो कोशिश करता तो क्या स्टॉर्म ब्रेकर उस तक आ पाता? इन दोनों सवाल के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, मेरा ये चैनल अभी रिसेंटली खुला हुआ है और आप लोगों ने इस पे काफी अच्छा सपोर्ट दिखाया है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने बारे में आप सबको बता दूं। सो बेसिकली मेरे चैनल का नाम है फिक्शनर और मेरा नाम है अविनाश सिंह। तो ये सवाल पूछा है किस्मत गेमिंग भाई ने, जहां भाई पूछते हैं कि जब गॉड ने स्टॉर्म ब्रेकर को थॉर से छीन लिया था, उसके बाद थॉर द अर्थ पे जाता है, तब थॉर ने स्टॉर्म ब्रेकर को बुलाने की कोशिश क्यों नहीं की? भाई का क्वेश्चन तो काफी लॉजिकल है एंड इस पॉइंट पे डिबेट भी काफी अच्छा खासा हो सकता है। लेकिन इस सवाल का एक लॉजिकल आंसर जानने के लिए आपको एक और चीज उससे पहले समझनी होगी कि एक्चुअली में स्टॉर्म ब्रेकर और म्यूलर को अपने पास बुलाने की मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है। और इस क्वेश्चन को Asus07 भाई ने पूछा था। बेसिकली मार्वल की मूवीज में हमने बहुत बार देखा है कि थॉर अपने वेपन्स को बुलाता है और उसके वेपन्स उसके पास बड़ी इजीली चले आते हैं। अब हालांकि मूवी में कभी एक्यूरेट या फिर मैक्सिमम डिस्टेंस कभी भी नहीं बताई गई, तो यहाँ पे जितनी भी थियरीज और कैलकुलेशंस जो मैं देने वाला हूँ वो मेरे ही होने वाले हैं। सबसे पहले बात करें कि क्या म्यूलर एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर जा सकता है बुलाने पर, तो इसका बेसिक सा आंसर है हाँ, क्योंकि थॉर द डार्क वर्ल्ड में हमने ऐसा देख रखा है जहाँ मूवी की एंडिंग में 9 रियलम्स के बीच में अलग अलग पोर्टल्स खुल जाते हैं। जब थॉर म्यूलर से मेलिकिथ पर अटैक करता है और म्यूलर पोर्टल के थ्रू अर्थ पर वापस चला जाता है, तब वो वापस से अर्थ के एटमॉस्फेयर को लीव करता है और स्पेस में एंटर करता है और वापस उसी रियलम की तरफ जाने लगता है। अब अगर मैं कुछ बेसिक कैलकुलेशंस करूं तो बेसिकली म्यूलर को अर्थ छोड़कर आउटर स्पेस में जाने में सिर्फ 3 से 4 सेकंड ही लगे थे, और नहीं भी तो म्यूलर यहां पे अर्थ के एग्जोस्फियर को क्रॉस कर गया है। अब बेसिकली एग्जोस्फियर एटमॉस्फेयर की वो लेयर है जो कि अर्थ के ग्राउंड लेवल से 7000 किलोमीटर से लेकर 12000 किलोमीटर तक वैरी करती है। और इस सीन को देखकर ये साफ पता चलता है कि म्यूलर जो है एग्जोस्फियर को आराम से क्रॉस कर चुका है, क्योंकि काफी डिस्टेंस वो ट्रैवल कर जाता है अर्थ के आगे तक, उसके बाद वो टर्न लेता है। लेकिन सेफ्टी के लिए अपन एग्जोस्फियर के मैक्सिमम लिमिट 12000 किलोमीटर ले लेते हैं। तो यहाँ पे म्यूलर ने अराउंड 12000 किलोमीटर ट्रैवल किए 3 से 4 सेकंड में, तो उसकी स्पीड हुई 3000 से 4000 किलोमीटर पर सेकंड। तो इसका सीधा सा जवाब है कि थॉर अगर एक प्लेनेट पर है और दूसरे प्लेनेट पर उसका वेपन है और थॉर अपने वेपन को बुलाता है, तो म्यूलर या फिर स्टॉर्म ब्रेकर थॉर के पास इजिली चले आएंगे, और वो भी उनको आने में कुछ खास टाइम नहीं लगने वाला। जो भी मैंने कैलकुलेशन बताई उससे तुम म्यूलर और स्टॉर्म ब्रेकर की स्पीड का अंदाजा लगा सकते हो। ये तो बात हो गई एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट के बीच के डिस्टेंस की, बट क्या स्टॉर्म ब्रेकर और म्यूलर थॉर के बुलाने पर इससे ज्यादा भी डिस्टेंस कवर कर पाएंगे? इसका ऑब्वियस आंसर है हाँ। वो क्यों, मैं बताता हूँ। बेसिकली एसगार्ड का जो किंगडम है वो 9 रियलम्स के बीच में फैला हुआ है। मतलब एसगार्ड का जो किंग है वो इन 9 रियलम्स के ऊपर रूल करता है। बेसिकली 9 रियलम्स के लोग एसगार्ड के किंग को अपना ऑल फादर मानते हैं। तो जहां तक मुझे लगता है कि थॉर का वेपन इन 9 रियलम्स के बीच में अगर कहीं पे भी होगा और थॉर भी इन 9 रियलम्स के बीच में कहीं पे है, तो बेसिकली वो स्टॉर्म ब्रेकर या म्यूलर थॉर के पास इजीली चला आएगा। अब हालांकि ये कहीं लिखा नहीं हुआ है, बस ये एक मेरी छोटी सी थियरी है और ये काफी ज्यादा सेंस भी बनाती है। अब हालांकि मैंने थॉर की सारी कॉमिक्स नहीं पढ़ी है, लेकिन जितने भी पॉपुलर कॉमिक्स हैं उनको मैंने पढ़ा है, और जितने भी कॉमिक्स मैंने पढ़ी उनमें कहीं पे भी ऐसा एग्जैक्ट डिस्टेंस कहीं पे भी नहीं बताया गया है। तो इट्स सेफ टू अज्यूम कि स्टॉर्म ब्रेकर या फिर म्यूलर थॉर के बुलाने पे 9 रियलम्स के अंदर कहीं पे भी आ जा सकते हैं। अब जब इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें मिल चुका है कि थॉर का अपने वेपन्स को समन करने की एग्जैक्ट मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है, तो इस प्रीवियस क्वेश्चन का भी आंसर तुम्हें मिल चुका होगा कि क्यों थॉर ने स्टॉर्म ब्रेकर को नहीं बुलाया जब गॉर ने स्टॉर्म ब्रेकर को उससे छीन लिया था। अगर नहीं समझ आया तो मैं बता देता हूँ। बेसिकली शैडो रियलम जहाँ पर थॉर और गॉर की फाइट होती है, जहाँ पर गॉर स्टॉर्म ब्रेकर छीन लेता है थॉर से, वो बेसिकली एक गैलेक्सी है इनफाइनाइट डार्कनेस की। तो 9 रियलम्स एक गैलेक्सी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और जो शैडो रियलम है वो दूसरे गैलेक्सी के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहली बात, अगर थॉर वहां से स्टॉर्म ब्रेकर को बुलाएगा भी तो या तो वो नहीं आएगा, और अगर वो आएगा भी तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब आप में से कुछ लोग क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हो कि भाई स्टॉर्म ब्रेकर बायफ्रॉस्ट खोल के भी तो थॉर के पास आ सकता है। तो बेसिकली स्टॉर्म ब्रेकर खुद से बायफ्रॉस्ट नहीं खोल सकता, थॉर को उसे टच करना पड़ता है बायफ्रॉस्ट खोलने के लिए। ये चीज तुम्हें थॉर 11 थंडर मूवी के अंदर दिख गई होगी, जहां पर थॉर बार बार शिप के अंदर स्टॉर्म ब्रेकर को जाके टच करता है, जिसके बाद स्टॉर्म ब्रेकर बायफ्रॉस्ट खोलता है। बाकी आप सभी को मेरे क्वेश्चन के आंसर वैलिड और लॉजिकल लगे क्या? अगर नहीं तो अपने आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में लिख देना। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए क्वेश्चन पूछना मत भूलना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर कॉन्टेंट पसंद आया हो और ऐसा ही कॉन्टेंट फ्यूचर में भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना। क्या इटर्निटी टोनी स्टार्क को वापस ला सकती है? जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो और कुछ रैंडम देखने के लिए राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।